इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने करप्टेड पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड को रिपेयर करते वक्त या फिर फॉर्मेट मारते वक्त एक एरर जनरेट होता है जिसका नाम है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। आज का ये सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने पूछा है कि जब वो अपना मेमोरी कार्ड फॉरवर्ड मारते हैं या फिर करप्टेड मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को रिपेयर करते हैं तो उन्हें एक एरर जनरेट होता है जिसका नाम है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप अपने करप्टेड पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट और ऊपर आई बटन पे दे दिया है। इस पे सिंपली क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने करप्टेड पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट मार के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारूंगा तो यहाँ पर आपको एक एरर जनरेट होगा जिसका नाम है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, और इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारा तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर का बटन दबाना है एक साथ। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है रेग एडिट REGEDIT। अब आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्री का विंडो ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक H की लोकल मशीन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके इसे एक्सपेंड करना है। उसके अंदर आपको एक सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे भी आपको एक्सपेंड करना है। इसके बाद आपको इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा करंट कंट्रोल सेट का, इसे एक्सपेंड करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कंट्रोल, इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, तो ये आपको बीच में कहीं मिलेगा, आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है बस। उसके बाद आपको यहाँ राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है राइट प्रोटेक्ट, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा 1 दिखाई देगा, तो इसे डिलीट करके आपको इसे 0 करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसे मिनिमाइज कर देना है यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव जिसपे एरर शो कर रहा है उसे आपको रिमूव करना है और इसे दोबारा इंसर्ट कर देना है, यानी लगा देना है। अब इसके बाद आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक हमने करा और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करा हमने और ये स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और ये ओके पे क्लिक करके इसे हमने फॉर्मेट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एरर फिलहाल के लिए शो नहीं हो रहा और जो आपका रिमूवल डिस्क है वो इजिली फॉर्मेट हो गया। इस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड एरर को हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट मॉन्स्टर के सोशल स्टॉक के बारे में। इसे यूज करके आप ढेरों प्राइजेस जीत सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मी नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर्ड मी नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा, आपको उस प्रोमो कोड को सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे शेयर करना है। उसके बाद जो कोई भी यूजर आपके प्रोमो कोड को यूज करके रजिस्टर्ड करता है तो उस हिसाब से आपको प्राइजेस मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई 10 यूजर्स आपके प्रोमो कोड को यूज करता है तो आपको $100 मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि आईपैड मिनी, आईफोन 6, कैमरा, मैकबुक प्रो, हार्ले डेविडसन, टेस्ला मॉडल कार। तो इस तरह आप प्राइजेस जीत सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दिया, उसे क्लिक करके आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे आप प्राइजेस जीत सकते हैं।